हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, इस वीडियो में आपको मैं एज कलर करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। इसके लिए मुझे चाहिए 40 वॉल्यूम और वेला का ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और एक बाउल और एक ब्रश। जैसे कि मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है। मैंने जो ब्लेंडर मिक्स करा है गाइस, वो मैंने 1:5 के रेशियो में करा है, और थोड़ा सा थिक ही रखना है आपको। और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है ब्लेंडर को 40 वॉल्यूम में गाइस। हम पहले प्री लाइटनिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा बाल है कुछ ज़्यादा ही डार्क है, 3 नंबर का हेयर है। शायद ये पहली प्री लाइटनिंग में ही इतना लेवल लिफ्ट कर जाए। तो मैंने फॉइल में लगा दिया अच्छे से ब्लेंडर को, और इसे फॉइल में मैं पूरे अच्छे से कवर कर दूँगा ताकि हीट जनरेट हो अच्छे से, और इसको मैं कुछ देर तक छोड़ दूँगा। आफ्टर 45 मिनट बाद मैंने देखा गाइस, ये देखिए हमारा जो बाल था कुछ ज़्यादा ही डार्क था, इसलिए इसमें हल्की सी कॉपर जो है टोन वो रह गई है। तो उसको मैं पहले रिंस करके आता हूँ गाइस। मैंने हेयर को रिंस कर लिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें कॉपर टोन हैगी। तो इसको हम 20 वॉल्यूम से एक बार प्री लाइटनिंग करेंगे। बाल कुछ ज़्यादा ही डार्क था गाइस, इसलिए मैंने 20 वॉल्यूम ही यूज़ किया है इस बार, क्योंकि पहले 40 से कर चुका था तो बाल ज़्यादा ड्राई ना हो। ये देखिएगा, इस पर अब दोबारा हम डिपॉजिट करता हूँ मैं ब्लेंडर के साथ। कहीं कहीं देखिए एंड्स पर जो है ना गाइस, वहाँ पे एज के रिफ्लेक्ट आ चुके हैं, क्योंकि एंड्स बहुत थिन होते हैं इसलिए जल्दी कलर आता है। 20 वॉल्यूम के साथ मैं इस पर कलर लगा दिया है ब्लेंडर। ब्लेंडर अच्छे से मल्सीफाई करना है गाइस। गाइस, ये मेरी वीडियो जो है ना, वो मेरी स्टूडेंट की एक प्रैक्टिस है, स्टूडेंट प्रैक्टिस वीडियो है, तो मैंने सोचा अपलोड करके आप सबको भी हेल्प हो जाएगी कलर में। ये देखिए गाइस, मैंने इस पर डिपॉजिट कर दिया है ब्लेंडर। बाल कुछ हमारा ज़्यादा डार्क था, तो पेल येलो तक ले जाने के लिए गाइस हमें 2 बार प्री लाइटनिंग करने की तो नीड पड़ती ही पड़ती है। तो दूसरी बार में हमारा पेल येलो देखिए आ जाएगा। ये देखिए गाइस, 20 मिनट्स बाद ही हमारा देखिए बालों में अच्छे से पेल येलो आ चुका है हमारा। ये देखिए, ये 10 तक तो गाइस हमारा लेवल हो गई। अब इसको थोड़ा मैं रिंस करके ही देखने वाला हूँ गाइस। ये वीडियो जो है वो मेरे स्टूडेंट ही बना रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, और इन्होंने ये वीडियो बनाई थी मुझे दिखाने के लिए, और मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी बहुत हेल्प हो सके। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए गाइस, रिंस करने के बाद इसमें जो ये येलो टोन आ रही है गाइस, इसको मैं अब लोयल के सिल्वर शैम्पू से न्यूट्रलाइज़ करूँगा, जो कि हमारा होता है पर्पल शैम्पू। तो पहले एक बार मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, एक बार ही आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, जो एंड्स पर है ना, उस पर थोड़ा वाइट सिल्वर आ रही है, क्योंकि एंड्स हमारे हमेशा थिन होते हैं और वहाँ पे जल्दी कलर आ जाता है, और कटे हुए बाल है तो थोड़ा लेट भी आता है। ये देखिए, ये है लोरियल का सिल्वर शैम्पू सीरीज एक्सपर्ट। इसको ये गाइस पर्पल कलर का होता है, जो हमारा एंटी येलो होता है, ये येलो को अच्छे से न्यूट्रलाइज़ करता है। ये शैम्पू अच्छे से आपको यूज़ कर लेना। अगर आप पे सिल्वर शैम्पू नहीं है, पर्पल शैम्पू, तो आप इसको बना भी सकते हैं। मैंने वीडियो में बता रखा है, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं हाउ टू मेक पर्पल शैम्पू, तो आप उसमें जाके देखकर बना सकते हैं। ये देखिएगा, अच्छे से मल्सीफाई करना, आपको देखना आपका येलो का टोन है वो कट हो गई है या नहीं हुई है। और गाइस, हमारी स्टूडेंट ने क्या किया था, इस पर जो डिपॉजिट किया था उसकी जो क्लिप है ना, वो मुझे भेजी थी, लेकिन गाइस वो मेरे फ़ोन में कहीं ना कहीं वो मिस हो गई है। और जो फाइनल रिजल्ट है उसकी मैं इमेज लगा दूँगा, उसी में ही फाइनल डिपॉजिट के साथ ही फाइनल रिजल्ट की वो क्लिप थी। तो गाइस, मैं कलर ट्यूब लिख कर बता दूँगा, नीचे हेडिंग डाल दूँगा कलर ट्यूब जो हमने डिपॉजिट करा था इस बालों पर। तो मैं अच्छे से दिखा दूँगा इसका रिजल्ट भी, एंड में मैं लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। और अभी आप देखिए, पर्पल शैम्पू कंप्लीट होने वाला है। पर्पल शैम्पू लगा के बहुत अच्छे से मल्सीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, को देखना होता है कि येलो टोन बालों में से न्यूट्रलाइज हुई है नहीं हुई है। ये देखिए, आपको शायद ही दिख रहा होगा अच्छे से, फ़ोन की स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिख रहा, और लाइटनिंग इफेक्ट थोड़ा कुछ अलग ही आता है। ये देखिए, येलो हल्की सी न्यूट्रलाइज हो रही है। उसको अच्छे से मल्सीफाई करेंगे, जितना अच्छे से मल्सीफाई करेंगे आप, उतना ही आपका ये जो पर्पल शैम्पू वर्क करेगा। इसको अब गाइस हम रिंस कर देंगे। रिंस करने के बाद गाइस, मैं फाइनल रिजल्ट आपको देखिए, ये था हमारा, मैंने लगा दिया है।
और इसके एंड में भी मैंने दिखाया कि गाइस मैंने इसमें 12.1 प्लस 0.11 विथ 20 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट किया है।